बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद जावेद एंड टुडे वी हैव टॉपिक लैन टेक्नोलॉजीज इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लैन टेक्नोलॉजीज, लोकल एरिया टेक्नोलॉजीज। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्टिंग वेरियस टर्मिनल्स आर कंप्यूटर्स विद इन ए बिल्डिंग आर लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। So first we need to, what is LAN? LAN basically is a type of network in which different computers, different nodes are connected with each other in a limited area. So अगर हम बात करते हैं LAN technologies की, तो LAN technology basically concerned है किससे? LAN network से। So LAN network किसको कहते हैं? वो network जिसमें हमारे पास different computers, different devices connect होते हैं एक limited area में। सो इनके लिए जो टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, इनको एस्टेब्लिश करने के लिए इनके जितने इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको हम लैन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा देखते हैं। द कनेक्शन अमंग द डिवाइसेस कुड बी वायर्ड और वायरलेस। इनके दरमियान जो कनेक्शंस होगा, इन नोड्स के दरमियान, इन सिस्टम्स के दरमियान, कंप्यूटर्स के दरमियान, या तो वो वायरलेस हो सकता है या वायर हो सकता है। यानी हमारे पास लैन दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वायरलेस होगा या वायर्ड होगा। Ethernet token ring and wireless LAN using IEEE 802.11 are examples of LAN standard technologies. ये हमारे पास क्या है, मैं ज़रा इसको मार्क करवा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं LAN technologies की, तो याद रखिए हमारे पास Ethernet LAN technology है, टोकन रिंग लैन technology है, wireless भी हमारे पास use हो सकती है as a LAN technology के तौर पर, और इनको IEEE 802.11 के तौर पर इनका स्टैंडर्ड है। देखते रहे इनको। हमारा जो मेन इसमें एक आज टॉपिक इसमें देखते हैं वो है ईथरनेट। कि जी ईथरनेट लैन टेक्नोलॉजी में क्या रोल है इनका। ईथरनेट, ईथरनेट इज अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। अमूमन स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं ईथरनेट को वो लैन कार्ड तस्वर करते हैं, या ईथरनेट को वो क्या तस्वर करते हैं, वो जो पोर्ट्स होता है उनको कहते हैं, या जो कनेक्टर्स होता है उनको कहते हैं। उनके माइंड में वो ईथरनेट होता है। याद रखिए ईथरनेट बुनियादी तौर पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है। और याद रखिए कि जी जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें एक टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ईथरनेट है। सो ईथरनेट के साथ जितने इक्विपमेंट्स, जितने हार्डवेयर यूज़ होते हैं ना, उनको असल में ईथरनेट्स फिर हम कहते हैं। सपोज आप के वो यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका कनेक्टर ईथरनेट कनेक्टर कहलाता है। इसी तरह अगर आप कोई इनके पोर्ट यूज़ करते हैं तो वो ईथरनेट पोर्ट कहलाते हैं। सो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। ईथरनेट इज़ अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एम्बेडेड इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। सो इनको दोनों में एम्बेड कर दिया जाता है, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में। इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग ए लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया नेटवर्क को डेवलप करने के लिए ईथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। द लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू केबल्स और वायर्स। सो जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसमें क्या होते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं वायर के ज़रिए या केबल के ज़रिए, या वायरलेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ईथरनेट की हम बात करें इसलिए हम वायर कहेंगे। ईथरनेट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैन टेक्नोलॉजी। ईथरनेट को ज़्यादातर किस में यूज़ किया जाता है, लैन टेक्नोलॉजी यानी लैन डेवलप करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। The reason behind its wide usability is Ethernet is easy to understand, implement, maintain and allow low cost network implementation. इनकी वजह क्या है कि जी ईथरनेट जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, वो ये कि जी एक तो अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ईजी से आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, इम्प्लीमेंटेशन इसकी आसान है, मेंटेनेंस इसकी आसान है, और दूसरी ये कि जी जो नेटवर्क आप डेवलप करते हो वो लो कास्ट होता है, यानी इसका कास्ट इतना हैवी नहीं होता है एज कम्पेयर टू द अदर लैन टेक्नोलॉजी। जिस तरह हम बात करते हैं FDDI की, जिस तरह हम बात करते हैं टोकन रिंग की,
सो उसके मुकाबले में इसकी कास्ट बहुत कम है इम्प्लीमेंट करने में। Also, Ethernet offers flexibility in terms of topologies which are allowed. Ethernet generally uses bus topology. So, Ethernet की जो ख़ास बात यह है कि ये इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी हम देखते हैं वो किस में है, वो टोपोलॉजी के लिहाज से है। यानी जो टोपोलॉजी ईथरनेट यूज़ करता है वो हमारे पास कौन सी है, बस टोपोलॉजी। और बस सबसे हमारे पास शुरू की टोपोलॉजी अगर हम देखते हैं, कभी हमने शुरू शुरू लेक्चर में पढ़ा था कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी में बस था, स्टार था, रिंग था, सो ये बुनियादी तौर पर ऑपरेट होता है बस टोपोलॉजी पर। ईथरनेट ऑपरेट्स इन टू लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। सो ईथरनेट की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है OSI मॉडल में वो दो लेयर्स है, एक क्या है फिजिकल लेयर और दूसरा क्या है डेटा लिंक लेयर। इन ऑर्डर टू हैंडल कोलिजन्स द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज इन ईथरनेट इज अ CSMACD है। सो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, कोलिजन को कंट्रोल करने के लिए ईथरनेट जो टेक्निक यूज़ करता है, जो मैकेनिज्म यूज़ करता है वो क्या है हमारे पास CSMACD है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्ट, जो शुरू शुरू हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये टेक्निक यूज़ करता है किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए। सो व्हाट इज़ कोलिजन, कोलिजन ये है कि जिस सेम टाइम पर जो मल्टीपल डेटा आपस में क्या मल्टीपल स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करते हो और वो एक दूसरे को क्या करते हो, स्ट्राइक करते हो, सो दिस इज़ कॉल्ड कोलिजन। सो इससे बचने के लिए ईथरनेट CSMACD टेक्निक यूज़ करता है। फिर इसके हम डिफरेंट वो देखते हैं कि जी स्पीड के लिहाज से हमारे पास इसकी स्पीड लेवल क्या है और कौन कौन से इसमें है। इसमें एक हमारे पास है फास्ट ईथरनेट। द फास्ट ईथरनेट इज अ टाइप ऑफ ईथरनेट नेटवर्क दैट कैन ट्रांसफर डेटा एट द रेट ऑफ 100 Mbps यूजिंग ए ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। सो जो फास्ट ईथरनेट है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है कितना, 100 Mbps यानी मेगाबिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट कर सकते हैं, या तो ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हुए या फाइबर ऑप्टिक को, यानी दोनों केबल्स पे ये ऑपरेट होता है। इंशाल्लाह हमारे आखिरी शायद लेक्चर्स होंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे ये केबल्स यानी मीडिया डिस्कस करेंगे, ट्विस्टेड पेयर्स में देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक देखेंगे, इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। द ओल्डर 10 Mbps ईथरनेट इज स्टिल यूज बट सच नेटवर्क्स डू नॉट प्रोवाइड नेसेसरी बैंडविड्थ फॉर द सम नेटवर्क बेस्ड वीडियो एप्लीकेशंस। बाज जगहों पर अब भी यूज शायद होता हो या हो रहा हो क्या 10 Mbps, लेकिन याद रखिए इनकी जो बैंडविड्थ होती है इसमें आप वीडियो एप्लीकेशंस वीडियो डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो की रिक्वायरमेंट्स हैवी होती है, ये हैवी, इसको हैवी बैंडविड्थ चाहिए, लेकिन 10 Mbps इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इनके अलावा हमारे पास इसकी एक दूसरी स्पीड है। अच्छा, ये हमारे पास आते हैं इसके ट्विस्टेड पेयर का एक नमूना है, सिंपल यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है जी। गौर से देखें, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये नेक्स्ट पेयर, ये फोर पेयर, यानी हमारे पास चार पेयर्स होते हैं और टोटल 8 वायर्स होते हैं, ठीक है जी। कभी मौका मिला इंशाल्लाह कि आएंगे इसको हम बनाना सीखेंगे, ट्विस्टेड पेयर के में केबल किस तरह बनते हैं, है हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स इसके। गीगाबिट ईथरनेट, द गीगाबिट ईथरनेट इज अ टाइप ऑफ ईथरनेट नेटवर्क कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा एट द रेट ऑफ 1000 Mbps बेस ऑन द ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर। हमारे पास इनके अलावा गीगाबिट ईथरनेट है जिनकी स्पीड्स हो सकती है 1000 Mbps यानी 1000 Mbps हो सकती है, और जो यूज़ करते हैं ये ट्विस्टेड पेयर भी यूज़ करते हैं और फाइबर ऑप्टिक दोनों केबल इनके लिए यूज़ हो सकते हैं। द टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल दैट सपोर्ट्स गीगाबिट ईथरनेट इज अ CAT5E केबल यानी Category 5 एक्सटेंडेड केबल जो कि ट्विस्टेड पेयर है, वेयर ऑल द फोर पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड वायर्स ऑफ द केबल्स आर यूज टू अचीव हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स। ट्विस्टेड पेयर में
कैट 5 एक्सटेंडेड केबल या इससे ऊपर जो वर्जन्स है, कैटेगरी 6 है, 7 है, अप टू जितने भी आ रहे हैं ना, ये यूज़ होते हैं गीगाबिट्स के लिए। और इनके फोर पेयर्स, चारों पेयर्स केबल के यूज़ होते हैं, जिस तरह अभी थोड़े से पहले मैंने आपको पेयर दिखा दिए, चारों पेयर्स यूज़ होते हैं डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। तीसरा हमारे पास है 10 गीगाबिट ईथरनेट। द 10 गीगाबिट ईथरनेट इज द लेटेस्ट जनरेशन ईथरनेट कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा एट रेट ऑफ 10 गीगाबिट्स यूजिंग ट्विस्टेड पेयर ऑफ और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये देखिए पिछले क्या था, ये गीगाबिट था, और 10 टाइम डेटा ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो टेक्नोलॉजी लेन की है ईथरनेट में, वो क्या है, 10 गीगाबिट ईथरनेट है। सो ये इससे 10 टाइम फास्टर होता है, और इनके लिए डेटा केबल यूज़ हो सकते हैं, वो भी ट्विस्टेड पेयर हो सकते हैं या फाइबर ऑप्टिक, दोनों केबल यूज हो सकते हैं। सो इट इज़ 10 टाइम फास्टर देन द गीगाबिट्स। ये हमारे पास इसका एक इमेज है किस कोएक्सियल केबल का, ठीक है। देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के कोएक्सियल केबल यहाँ पर दिए गए हैं। इंशाल्लाह फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जी हम इन मीडिया के टॉपिक्स को हमारे जो आखिरी लेक्चर्स इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मीडिया के कितने टाइप्स है। सपोज दो टाइप्स है, गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड है, फिर गाइडेड नॉर्मली हम केबल्स को कहते हैं, केबल में फिर ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो कोई क्वेश्चन आज किस टॉपिक में है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, माय ईमेल आईडी, माय सेल नंबर। थैंक यू जी।